नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ इशप्रीत। स्लिक एंड नैटी हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप ऐसा सुंदर हार बना सकते हैं जो आपके ट्रेडिशनल कपड़ों पर खूब जचेगा। ये कागज़ और गम से बना हुआ है, जिसका मतलब है ये बनाने में बहुत ही आसान है और 200 रुपये से भी कम में बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कैनवस पेपर, जो आपको आसानी से स्टेशनरी की दुकान पर या फिर जहां सिलाई बुनाई का सामान मिलता हो उस दुकान पर मिल जाएगा। एक पूरी बड़ी शीट 20 रुपए में आएगी, लेकिन हमें उसका एक बहुत छोटा हिस्सा चाहिए। हम इस शीट से हमारे हार का आधार बनाएंगे, जिस पर फिर हम हीरे मोती चिपकाएंगे। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि कागज़ तो कितना पतला होता है, तो फिर वो हार के आधार के रूप में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ कि भले ही इसे कैनवस पेपर कहा जाता है, लेकिन ये कॉटन या लिनन के कपड़े से बना होता है। चलिए अब देखते हैं कि कैनवस शीट से हार का आकार कैसे काटना है। पहला तरीका ये है कि आप अपने किसी हार का इस्तेमाल करें जिसका नाप सही हो, उसे कैनवस शीट पर रखें और इस तरह पेंसिल से अंदर की तरफ निशान बनाएं। तो अब ये आपके आकार की आंतरिक सीमा है। बाहर की सीमा बनाने के लिए आपको पहले आपके हार की चौड़ाई तय करनी होगी, जो आप कितने हीरे मोती वगैरह लगाने वाले हैं उस पर निर्भर होगी। मेरे हार की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर होनी है, इसलिए मैं 2 बिंदु बना रही हूँ जो कि आंतरिक सीमा के सिरे से 4.5 सेंटीमीटर दूर है। अब मैं एक और बिंदु बनाऊंगी जो कि 4.5 सेंटीमीटर दूर होगा आंतरिक सीमा के सबसे निचले भाग से। अब हम इस बिंदु से जोड़ेंगे इस तरह कि बाहर की सीमा अंदर की सीमा से बिल्कुल समानांतर हो। यही इस तरफ भी दोहराएंगे। अब बाहर और अंदर की सीमा को जोड़ते हुए एक रेखा खींचें, जिससे कि हमारा आधार तैयार हो जाएगा। अब बस इसे काट लें और आपका आधार तैयार हो गया। अगर आप अपना हार इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो आधार बनाने का एक और तरीका भी है। उसके लिए कैनवस शीट को मध्य से मोड़ें और मुड़े हुए कोने पे नीचे से 7 सेंटीमीटर दूर एक निशान बनाएं। अब अपने गले की मोटाई के हिसाब से दूसरी तरफ 7 से 7.5 सेंटीमीटर दूर एक और निशान बनाएं। अब इन दोनों निशानों को किसी भी गोल चीज़ जैसे कि एक प्लेट या ढक्कन की मदद से जोड़ दें, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ। अब बाहर की सीमा बनाने के लिए हार की चौड़ाई तय कर लें और फिर इस तरह 2 निशान बनाएं। और अब इन दोनों को इस तरह जोड़ें कि दोनों रेखाएं समानांतर हो। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आपके हार की चौड़ाई है, जो कि मेरे हार की 4.5 सेंटीमीटर है। अब बस इन दोनों रेखाओं के हिसाब से काट दें। मुड़े हुए कागज़ को खोल दें और आपका आधार तैयार है। अब मैं एक सुनहरे रंग का फैब्रिक पेंट यानी कि कपड़े का रंग ले रही हूँ और आधार को रंग रही हूँ। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हीरे मोती के बीच से कैनवस पेपर दिख भी जाता है तो वो बुरा ना लगे। अब आगे बढ़ने से पहले इसे पूरी तरह से सूखने दें। अब अगला कदम है कि आपके मन पसंदीदे हीरे मोती इत्यादि उस पर लगाना। मैंने इस तरीके के सुनहरे पत्थर गोल एवं ड्रॉप आकार में खरीदे हैं। ये स्टोन्स आपको बड़ी आसानी से किसी भी ऐसे दुकान में मिल जाएंगे जहां क्राफ्ट्स का सामान मिलता हो। मैंने ये हीरे जैसी दिखने वाली चेन भी खरीदी है। इसका आगे का भाग चमकीला है और पिछला भाग बिल्कुल सादा और सुनहरे रंग का है। मैं दोनों भागों का इस्तेमाल करूंगी, कभी इसे ऐसे चिपका कर और कभी ऐसे चिपका कर। ये भी आपको किसी भी क्राफ्ट्स की दुकान में या फिर लेस की दुकान में मिल जाएगा। मैंने ये 50 रुपये प्रति मीटर में खरीदा है और आपको करीबन ये 2 मीटर चाहिएगा। और आखिर में मैं इस्तेमाल करूंगी कुछ बिना चमक वाले सफ़ेद मोतियों का, जो कि सजावट में काम आते हैं। और इन्हें कैनवस के आधार पर चिपकाने के लिए आपको कपड़े वाला गोंद यानी कि फैब्रिक ग्लू चाहिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, कैनवस पेपर कपड़े का बना हुआ है। मैं हार के निचले हिस्से से शुरुआत कर रही हूँ और उस हिस्से में गोंद लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे गोल आकार वाले पत्थर लगाऊंगी सीमा से थोड़े ऊपर, और फिर 2 पत्थरों के बीच में एक ड्रॉप आकार वाला पत्थर लगाऊंगी इस तरह से। इसको पूरी सीमा पर दोहराते रहिए जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते। हमने हमारी पहली परत पूरी कर ली है और आप देख सकते हैं कि अभी से ही हार कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं ये हीरे जैसी चेन लगाऊंगी। कपड़े का गोंद लगाएं और आप इसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि सूखने के बाद ये दिखता नहीं है। इसके ऊपर चेन को इस तरह चिपकाएं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बची हुई चेन को काट लें। हम इस चेन की एक और परत लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से। आप देख सकते हैं कि हमने जो भी गोंद लगाया था वो सूखने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपसे गोंद कहीं ज़्यादा लग गया हो तो चिंता ना करें।
अब अगली परत के लिए मैं इस चेन को उल्टा कर इसका सादा हिस्सा ऊपर रखकर चिपकाऊंगी। और अब ऐसी ही एक और परत लगाएं। और अब मैं फिर से एक परत लगाऊंगी इसी चेन की, उसके चमकदार हिस्से को ऊपर रखकर, और फिर एक और परत उसके सादे हिस्से को ऊपर रखकर। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसे ऐसे ही करना हो, आपकी पसंद पर निर्भर करता है और आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब आखिर में मैं ऊपर की सीमा की तरफ ये मोती चिपकाऊंगी कपड़े के गोंद की मदद से। मैं सिर्फ इनको एक दूसरे के करीब चिपका रही हूँ। और लीजिए, हार का बुनियादी ढांचा तैयार है। अब सिर्फ इसमें धागा जोड़ना बचा है जिससे आप इसे अपने गले में पहन सकें। इसके लिए हार को उल्टा करें। अब हमें ये पिंस, जिन्हें कि आई पिंस कहा जाता है, की ज़रूरत पड़ेगी। इनके एक सिरे में छेद होता है, दूसरा हमें यह हार का धागा चाहिए होगा। ये दोनों सामान आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी क्राफ्ट्स की दुकान में मिल जाएंगे। मैं आई पिंस को हार के पीछे गोंद की मदद से इस तरह से चिपका दूंगी। मैंने दोनों सिरों पर दो दो आई पिंस लगाई हैं, क्योंकि जो हार का धागा मेरे पास है उसमें दो हुक है, जो कि हर एक आई पिन के छेद में जाएगा इस तरह। अगर आपके हार के धागे में एक ही हुक है तो आप हार के दोनों तरफ एक एक आई पिन भी लगा सकते हैं। अब मैंने कैनवस शीट से बिल्कुल हार के आकार का एक और आधार काटा है और मैं इसे हार के पिछले हिस्से पर चिपकाऊंगी ताकि मेरी आई पिन ढक जाएं और दिखाई ना दे। मैं ये भी कपड़े की गोंद की मदद से चिपका रही हूँ। चलिए अब हम धागे को हार से जोड़ दें, उसके हुक को आई पिन के छेद में घुसाकर इस तरह। और ये हो गया। अब आखिर में अगर आपको कैनवस पेपर का कोई हिस्सा बाहर निकला हुआ दिखे तो उसे कैंची की मदद से काट दें। तो लीजिए, इतना सुंदर हार कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से मुझसे जरूर जुड़े। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे वापस मुलाकात होगी। बाय।